हेलो फ्रेंड्स, रसोई मीना की चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम साबुदाने का रायता बनाएंगे। तो साबुदाने का रायता कैसे बनता है हम आपको सामग्री दिखा देते हैं। तो चलिए, तो हम 100 ग्राम साबुदाना लिए हैं, बड़े वाले, ये जो बड़े बड़े हैं इस तरह से 100 ग्राम साबुदाना लिए हैं और इनको हम मोहेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको और मसाला दिखा दें। इनमें डालने के लिए हम 1/2 इंच अदरक ग्रेट कर लिए हैं। 2 हरा मिर्च को हम बारीक कट कर लिए हैं। ये 8 से 10 किशमिश और 4 से 5 काजू है जो हम रायता में डालेंगे। और 1/2 छोटा चम्मच से भी कम है लाल मिर्च पाउडर। एक काली मस्टर्ड है निराई, इनको हम तावे पर गरम करके दरदरा पीस लेंगे। ये जीरा पाउडर होममेड, हम घर में ही पीसे हैं। और थोड़ी सी मंगरेला जमाइन, जिनको कलौंजी कहते हैं, जो रायता में हम डालेंगे, इनको हमको पीसना नहीं है। और ये काला नमक लिए हैं, स्वाद अनुसार लेंगे हम। सफेद नमक स्वाद अनुसार लेंगे। ये धनिया की पत्ती जो हम रायते में डालेंगे, ये आधे नींबू का जूस है। तो आइए हम पहले इनको मोह लेते हैं। और दही, बोलिएगा दही तो दिखाई ही नहीं, इनको कर देते हैं साइड। ये दही घर में ही हम जमाए हैं, ध्यान रहे आप घर में ही जमाए दही। बाहर से डेयरी का दही लाएंगे तो उनको पाउच को गर्म पानी में धोना होगा आपको, तभी आप दही यूज करिएगा। तो पाउच को पहले सुसुम पानी में धो ले और फिर दही यूज करें। ये हम घर में जमाए हैं, हम भी बाहर से मंगा करके जो जामन के लिए लिए, तो पाउच को हम सुसुम पानी में धो लिए हैं, फिर उनमें से जामन लिए हैं। ये हम घर में जमाए हैं। तो दही फेटते हम दिखाएंगे, उससे पहले हम साबुदाना को हम लेमन जूस इनमें मिला लेते हैं अच्छे से। और थोड़ी थोड़ी सारे मसाले में से हम लेंगे, देखिए चुटकी भर। इनको मत ले लीजिएगा, इसलिए उठाए हैं, ये छानते समय बहुत आपको रुला देंगे, तो इनको मत लीजिएगा। आप इनमें से काला नमक, जीरा पाउडर लिए हैं, काला नमक थोड़ी सी ले लीजिए, थोड़ा सा सफेद नमक ले लीजिए। और अब आप इनमें कुछ मत लीजिए। तो चलिए इनको हम मोहते हैं थोड़ी थोड़ी पानी से। अब मोहने के बाद 10 मिनट तक हम इनको हम रेस्ट में रखेंगे। तो अच्छे से इनको मोह लीजिए। देखिए 2 चम्मच पानी लिए, 1 चम्मच के करीब नींबू था, तो हम इनको मोह लेते हैं। अब दही फेंट लेते हैं, तब तक ये रेस्ट पर है। दही हम रेस्ट पर बाउल में ले लेते हैं, देख सकते कितना बढ़िया ये दही जमे हैं। तो हम दही को आवश्यकता अनुसार, दही क्योंकि रायता बना रहे तो दही ज्यादा लगेंगे इनमें, तो हम देखिए बिल्कुल पानी नहीं है इनमें, आप देख सकते हैं। तो दही को साइड करते हैं और इनमें बाकी के मसाला इसी से हम धीरे धीरे मिला लेते हैं। तो ये सबसे पहले हम अदरक ले ले रहे हैं इनमें, ये लाल मिर्च पाउडर, ये अजवाइन मंगरेला, हम गर्म नहीं करेंगे इनको, हम सीधे इस तरह से ले ले रहे हैं। और काला नमक, काला नमक स्वाद अनुसार, तो हम चुटकी भर बचा लिए हैं। और थोड़ी सी सफेद नमक, आपको जरूरत लगे कि कम है तो आप ऊपर से ले सकते हैं। ये हरा मिर्च, ये भुना हुआ जीरा और मस्टर्ड का जो है काली मस्टर्ड, इनको हम गर्म करके हल्की दरदरी कर लेंगे, तब लेंगे बाद में। अभी हम इन सबको एक साथ मिला देते हैं ताकि अच्छे से ये मिल जाए। तो धनिया पत्ती भी मिल ली है, और काजू को हम थोड़ा छोटा काट लेते हैं, तब तक के हम अच्छे से इनको हम मिला देते हैं। तो देखिए इस तरह से अच्छे से मस्टर्ड को गरम कर लेते हैं, बस थोड़ी देर, उसके बाद हम दरदरी पीस लेंगे इनको। हम राई अच्छे से, मस्टर्ड चटक गए हैं, हम गैस के फ्लेम ऑफ कर देते हैं और हम ठंडा होने के बाद हम सिलौटे पर इनको दरदरा कर लिया। अच्छे से दही हम फेंट लिए हैं। अब ये जो हम काली मस्टर्ड को, क्योंकि मिक्सी में नहीं ग्राइंड किए, बहुत थोड़ा सा है, तो हम सिलवट्टे पर भूख लिए हैं, तो हम इनको ले लेते हैं। इनसे सौंधी सौंधी स्वाद बहुत अच्छे आते हैं। लास्ट में हम चुटकी भर गोलकी लिए हैं और किशमिश और काजू इनमें मिला के, अब इनको हम रखेंगे 10 मिनट के लिए। तब तक हम उनको मिला करके साबुदाने को हम देख लेते हैं, इस तरह से एकदम मिला दे। सारे सामग्री को हम अच्छे से मिला दिए हैं, अब इनको रखते हैं रेस्ट पे। अब देख लेते हैं साबुदाने के हाल, तब तक हम तेल गर्म होने के लिए चढ़ा दिए हैं, देखिए ताकि तेल अच्छे से गर्म हो जाए।
हम सरसों के तेल में बना रहे हैं, आप घी में भी बना सकते हैं या रिफाइंड में भी बना सकते हैं। तो आइए हम साबुदाने को देखते हैं, इनको रखते हैं 10 मिनट के बाद ये इस तरह से कुछ फूल गया है। अब हम आँच को तेज करते हैं और ध्यान रहे कि जब साबुदाना आप में इनमें डालेंगे तेल में साबुदाने को, तो गैस के फ्लेम यदि अभी तेज है तो इनको कम कर दिया कीजिए, नहीं तो ये फूटेंगे नहीं, दाते तक चिपकेंगे। तो ध्यान रहे ये बात। तो हम तेल को गर्म कर लेते हैं, अब हम आपको साबुदाना इनमें डाल करके देख लेते हैं। तेल काफी गर्म है, गैस की फ्लेम हम कम कर देते हैं। इनमें डालते हैं हम साबुदाने को 2 चम्मच, और ध्यान रहे कि आप चमचे से हिलाते रहें और इस तरह से ढक दें, क्योंकि उड़ेंगे ये, तो उड़ना नहीं चाहिए, आपको लगना नहीं, कुछ इस तरह से ये फटेंगे, देख रहे हैं। तो इसीलिए हम आपको ढकने के लिए, एक बार के साबुदाने आपको फ्राई करने में 4 से 5 मिनट लगेंगे, इनमें घबरा के आपको नहीं छानना है। थोड़ी सी आपको दिखाते हैं कि देखिए बीच बीच में साबुदाने कैसे फट रहे हैं। देखिए बिल्कुल जो मक्के के लावा होते हैं उस तरह से ये फटे हैं। तो थोड़ी सी और ये होंगे, तो देखिए बहुत अच्छे से ये बहुत बढ़िया से फटे हैं, देखने में लग रहा है ना गोंद का लावा जैसे फूटता है उस टाइप का है। देखिए हम आपको बस मिलाते जाएंगे, गार्निशिंग करके दिखाते जाएंगे इनको, बस इस तरह से एक एक चम्मच लीजिए और इस तरह से मिलाइए, साबुदाने का रहता गार्निशिंग कर लिए हम, आपको बना करके दिखाए। तो कैसा लगा हमारा साबुदाने का रहता कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि कैसा देखने में लगा आपको, और इस तरह से आप भी बनाइए जिस तरह से हम बनाए, आप भी बनाइए। घर में बोर नहीं होना है, क्योंकि 24 घंटा तो आदमी घर में ही रहना है, तो जो सामग्री घर में है उसी से बनाना है आपको और उसी में खुश रहना है। अगर हमारे लिए अगर कोई बोलते हैं कि घर में रहिए तो मेरे लिए हित में अच्छे हैं, तो आप लोग भी घर में रहिए, इस तरह से एंजॉय कीजिए, खाइए पीजिए, पूरी चपाती पराठे के साथ या चावल दाल के साथ आप ले सकते हैं। तो नए दोस्त फ्रेंड हमारे हैं, एक सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करने से होगा नए नए वीडियो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा। और पुराने दोस्त हमारे हैं तो शेयर लाइक करना ना भूले, शेयर लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं हम एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।